नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाई गई मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के पोस्ट पर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। बीजेपी से लेकर लगातार हमलावर है। अब पार्टी नेता मनोज तिवारी ने भी एक वीडियो जारी कर कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सुप्रिया सुनेत पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर उन्होंने कहा कि एक कलाकार को अपने जीवन में कई तरह के चरित्र को निभाना पड़ता है। मनोज तिवारी ने कहा कि वह सुप्रिया सुनेत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो देश से इसका जवाब देगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए। कंगना जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं? ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत के महिलाओं का सम्मान करती है और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। लेकिन कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं का, कलाकारों का सम्मान करती है, लेकिन सुप्रिया सुनेत ने अपने बयान से बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के प्रति और देश के कलाकारों के प्रति कैसा सोच रखती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं हैरान हूँ महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस कैसा सोच रखती है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, क्या कांग्रेस के लोग कलाकार का वही चरित्र बनाएंगे जो वो निभा रहे हैं? बीजेपी भारत के कलाकारों और महिलाओं को सम्मान करती है। दूसरी ओर सुप्रिया सुनेत ने सफाई देते हुए कहा कि जो कोई भी मुझे जानता है उसे पता होगा कि मैं किसी महिला के लिए ऐसा कभी नहीं कहूंगी। हालांकि एक पैराडी खाता भी है, उसे मैंने अभी अभी अपने नाम का दुरुपयोग करते हुए पाया है। किसी ने मेरे नाम से ट्विटर पर चलाया भी है, इसे लेकर मैंने शिकायत कराई है। बता दें कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया है। सुप्रिया सुनेत के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। तो कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।